राहुल गांधी फिर फंसे अपने ही राजनीतिक समीकरण में। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र में हंगामा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर ईडी ने कसा शिकंजा। किसान नेताओं को क्यों लगने लगा है डर। नमस्कार, मैं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राष्ट्र दरबार। आइए अब रुक करते हैं दिन की पहली खबर की ओर। लगभग सभी भाषणों में मोदी सरकार पर अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी पर बीजेपी ने उनके ही तीर से निशाना साध दिया है। राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार की ओर से अडानी ग्रुप को सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और दीघी पोर्ट दिए जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा है कि क्या यही है हम दो हमारे दो परियोजना। रुक करते हैं दिन की दूसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ उत्तर प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो गया। इस बीच सदन में बड़े हंगामे के आसार भी लगाए जा रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण से पहले बहुजन समाज पार्टी के आधा दर्जन से अधिक बागी विधायक विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात करके सदन में अलग बैठाने की व्यवस्था करने की अपनी मांग रखी। रुक करते हैं दिन की तीसरी खबर की ओर। प्रवर्तन निदेशालय ने पंचकुला के औद्योगिक प्लांट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर शिकंजा कस दिया है। ईडी ने अदालत में दायर चार्जशीट में हुड्डा सहित 22 आरोपितों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने कहा है कि पंचकुला में हुड्डा के करीबियों को गलत तरीके से 14 औद्योगिक प्लाट आवंटित किए गए हैं। रुक करते हैं दिन की चौथी खबर की ओर। पुदुचेरी में अगले 3-4 महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही नारायण सामी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक महीने में कांग्रेस 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद एलजी तमिलीसाई सौंदर्य राजन ने मुख्यमंत्री वी नारायण सामी को 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा है। किरण बेदी के इस्तीफे के बाद तेलंगाना की गवर्नर सौंदर्य राजन को पुदुचेरी की एलजी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है और चार्ज लेने के पहले दिन ही उन्होंने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है। रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। करीब 2.5 महीने से भी अधिक समय से सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे आंदोलनकारी अब इतने परेशान हो गए हैं कि वह अब धरना स्थल पर बैठना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनकारियों का टेंट में बैठना किसान नेताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आंदोलनकारियों के धरना स्थल पर ना बैठकर प्रदर्शनकारियों का टेंट में बैठने से किसान नेताओं को इतनी परेशानी होने लगी है कि इसको रोकने के लिए बुधवार को उन्हें फरमान जारी करना पड़ा। बुधवार को धरना स्थल पर बैठे गिनती के लोगों को देखते हुए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने मंच से फरमान ही जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई भी प्रदर्शनकारी टेंट या अपनी ट्रॉली में जाकर नहीं बैठेगा। हर व्यक्ति को रोज 4 से 6 घंटे धरना स्थल पर बैठना ही पड़ेगा। गर्मी का बहाना बनाकर टेंट में आराम करने वाले आंदोलनकारियों के लिए पंडाल तैयार करवा दिए गए हैं। यहाँ पर पंखे भी लगा दिए गए हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। साथ ही ये भी कहा, जो प्रदर्शनकारी यहाँ बैठे हैं वह तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक उनके गाँव से उनकी जगह दूसरा समूह यहाँ नहीं पहुँच पाता है। यह दर्शाता है कि किसान नेता अपने इस आंदोलन को लेकर कितना डरे और सहमे हुए हैं। इन किसान नेताओं ने शायद अपने अहम और भटकाव के कारण देश के सबसे लंबे हाईवे NH-44 को अगवा कर लिया है। लेकिन शायद अब वहां बैठे आंदोलनकारियों को यह समझ आने लगा है कि सरकार शायद उनकी भलाई के लिए ही यह कानून लेकर आई है, नहीं तो हर राज्य का किसान देश की संपदा को अगवा करके नहीं बैठा होता।
आंदोलनकारियों के परेशान होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि किसान नेताओं में इस बिल और इस आंदोलन के आगे की रणनीति को लेकर खुद बहुत अधिक क्लियर नहीं है और उनके पास किसानों के भविष्य को लेकर कुछ बेहतर नज़रिया भी नहीं है। ऐसा शायद वहां बैठे आंदोलनकारियों को भी समझ आने लगा है, इसीलिए शायद अब इस आंदोलन में बैठे लोगों के बीच से गर्मजोशी खत्म होने लगी है और किसान नेताओं की चिंता का यह सबसे बड़ा कारण है। किसानों को एक बात और समझ लेनी चाहिए कि अब वो दौर चला गया कि सभी कार्य सरकार ही करे, आज की आवश्यकता है निजीकरण, तभी हम सबका साथ सबका विश्वास मंत्र को पूरा कर पाएंगे। सरकार के पास संसाधन सीमित हैं और वह सिर्फ सीमित लोगों तक ही पहुंच रखता है, इसलिए आज की बढ़ती मांग के बीच हम सबको यह समझने की जरूरत है कि मांग और आपूर्ति में सामंजस्य बिठाना बिना निजीकरण अब संभव नहीं है। इसीलिए किसान नेताओं और मोदी विरोधी सुर बुलंद करने वाले बुद्धिजीवी लोगों को यह सोचना चाहिए कि आप अपने निजी और राजनीतिक हित के लिए किसी को अर्ध सत्य के भ्रम जाल में नहीं फंसा सकते और अंधेरा कितना ही घना हो कल सूरज निकलेगा ही। राष्ट्र दरबार में आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।